नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं आप लोगों के प्यार से, आशीर्वाद से। तो आज का टॉपिक मेरा बहुत इंटरेस्टेड है, सो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा ज़रूर और सुन लीजिएगा। बहुत छोटा ही वीडियो बनाऊंगी। आज का टॉपिक मेरा ये है सास बहू को लेकर के, हस्बैंड वाइफ को भी लेकर के। प्लीज़ अगर किसी को बुरा लगे ना तो तहे दिल से मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मेरे मन में आया तो मैं बोल रही हूँ। जैसे सासू माँ को, सासू मम्मी लोग, अगर आप लोग कोई लोग सुनिएगा तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, अगर अपना दामाद बेटी को चाय बना के दे या किचन में कोई हेल्प कर दे, बड़ा सोना मुंडा है, बड़ा अच्छा लगता है। अरे मेरा दामाद तो बहुत अच्छा है, मेरी बेटी को तो चाय बना के देता है जब वो बिस्तर पे होती है तभी। और अगर कहीं गलती से भी पतिदेव महाशय ने, यानी उनके बेटे ने ये काम कर दिया, जायद मेहरारू भक्त है, वहीं आगे पीछे घूमाला, मड़राइल कराला, सोचाला कि हाँ ओकरे मेहरारू के लेखा के हुक मेहरारू नाई बा। ऐसा क्यों भेदभाव लोग करते हैं, मुझे यही नहीं समझ में आता है कि अगर वही काम दामाद कर रहा है तो बहुत अच्छा दामाद मिला है, और अगर वही काम बेटा कर दे रहा है बड़ा नालायक हो जा रहा है। ऐसा क्यों सासू मम्मियों, प्लीज़ मुझे बताइएगा आप लोग। और दूसरी बात ये है कि जिनके यहाँ जैसे जो दामाद हैं वो भी तो किसी की बेटी हैं, जो दामाद और बेटी हैं वो भी तो अपने यहाँ बतिया सके कि मेरी बेटी बहुत अच्छे घर गई है, बड़ा बढ़िया परिवार मिला है, मेरे दामाद बड़ा देखभाल करते हैं। लेकिन नहीं, अपनी बेटी का देखभाल ठीक लगेगा, दूसरों की बेटी देखभाल थोड़ी ना ठीक लगेगा। लेकिन ये सब पे नहीं लागू है, ऐसा कुछ लोग ही करते हैं। बहुत सारी सासें हैं इतनी अच्छी हैं कि पूछिए मत, दिल खुश हो जाता है। और एक बात, दूसरे की बहू हर सास को अच्छी लगती है, लगती है ना, और अपनी बहू थोड़ा कम पसंद आती है, क्योंकि वो 24 घंटे साथ में रहती है तो अच्छा बुरा दोनों हो जाता है कभी कभी। और दूसरे की बीबी हर हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है, अपनी बीबी में लगभग कमी ही रहती है। ऐसा क्यों होता है, मुझे आज ये बैठे बैठे मेरे दिमाग में आई बातें, तो मैंने कहा थोड़ा आप लोगों से भी पूछूं कि क्या मैं सही हूँ कि जैसे हर हर आदमी को दूसरे की बीवी, अरे बहुत गुणी है, संपन्न है, सुंदर है, सुशील है, और अपनी बीवी में ज़रूर कुछ ना कुछ कमी निकल जाती है। ऐसा क्यों, शायद इसलिए कि साथ रहते हैं 24 घंटा इसलिए, और दूसरे की बीवी बस झलक दिखला जा, यही होता है इसलिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बाकी अगर नहीं पसंद आए तो भी लाइक कर दीजिएगा। केवल मैंने अपने थॉट रखे हैं, मैंने ये कंपलसरी नहीं कहा है कि ऐसा ही होता है, लेकिन लगभग 90% ऐसा ही होता है मेरी सोच से। अगर ऐसा आपकी सोच से नहीं है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और अगर किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ कीजिएगा ज़रूर। थैंक यू, आज ऐसे थोड़ा मज़ा करने का मन किया तो कर लिए, प्लीज़ सॉरी हाँ अगर बुरा लगा हो तो। और आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। माँ जगदम्बा से, मेरे इष्ट देवता बजरंग बली से आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त अगर स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे तो मुझे भी सुन के बहुत खुशी होगी। कुछ दिन तक अगर मैं अपने दोस्तों को नहीं देखती हूँ वीडियो बनाते हुए तो मुझे बड़ा टेंशन होती है, क्या बात है, क्या बात है, क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो प्लीज़ आप लोग अपने परिवार के साथ सुखी रहें, मेरी ही ईश्वर से प्रार्थना है, और मेरी बातों को दिल पे ना लीजिएगा। मैं क्या बताऊँ, मैं दिल से कैसी हूँ, जो लोग समझना चाहेंगे वो समझ लेंगे। मैं बस मजाक करना जानती हूँ, मजाक करती हूँ, हंसना जानती हूँ, हंसाना जानती हूँ। ओके, बाय बाय, खुश रहिए, और मुझे भी आशीर्वाद दीजिएगा, मैं भी खुश रहूँ।